जिससे आराम से यहाँ से वहाँ ये हमारे सनस्क्रीन को भी बहा ले जाते। तो मुझे लगता है कि ये यूजफुल है क्या। हाय एवरीवन, आज की वीडियो में चलो हम अपने हैक्स एक दूसरे के साथ शेयर करें। मैं अपने हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी और आप अपने हैक मेरे साथ, और इनमें से जो जिसको अच्छा लगे ना वो ट्राई करें। सबके कोई ना कोई ऐसे हैक्स जरूर होते हैं जो उन्हें फॉलो करने में मजा आता है। मेरे तो बहुत सारे हैं। तो गर्मियों के लिए मैं आपको मेरे कुछ DIYs एंड हैक्स बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करके गर्मियों में बहुत हेल्प मिलेगी। गर्मियां बहुत हैं तो चलो अपने हैक्स बता के एक दूसरे की हेल्प करें। तो सबसे पहली चीज, गर्मियों में मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, डार्क नहीं, जैसे कि ब्लैक या ब्राउन मैं अवॉइड करती हूँ पहनना। पिंक, येलो, ब्लू, ये सब कलर्स पहनती हूँ। एक तो इनमें गर्मी कम लगती है और दूसरा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन पहनती हूँ। ये स्वेट एब्जॉर्ब करने के साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ना केवल कपड़े हमें कॉटन के पहनने चाहिए बल्कि हमें पैंटी भी कॉटन की ही यूज़ करनी चाहिए। तो जो कॉटन है वो हमारे स्किन के साथ वजाइनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसी से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट टिप भी है कि जब भी आप कोई लाइट कलर का कपड़ा पहनो ना तो उसके नीचे न्यूड कलर की ब्रा पहनो। मैं तो हमेशा ये फॉलो करती हूँ, स्पेशली वाइट कलर के साथ, क्योंकि वाइट के साथ अगर आप वाइट पहनोगे ना तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसलिए वाइट कलर के साथ आप न्यूड कलर की ब्रा पहनो, और जो भी आप लाइट कलर्स के पहन रहे हो उनके साथ भी आप न्यूड पहन सकते हो, या फिर आप कपड़े से मैचिंग पहन सकते हो, बट वाइट के साथ वाइट नहीं, न्यूड। इससे आप जो भी ड्रेस पहनोगे वो तो अच्छा लगेगा ही, बट ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा। और ब्रा भी आप कोशिश करो कि कॉटन की ही पहनो, क्योंकि कॉटन बेस्ट होता है। ट्राई करो लूज कपड़े ही पहनो। ये तो मैंने शूट के लिए पहन रखा हुआ है। वैसे मैं घर में टी शर्ट ही पहन के रखती हूँ जिससे यहाँ से वहाँ आराम से पास होती है। कहीं आने जाने में या फिर शूट वगैरह में मैं ये सब कपड़े पहनती हूँ, मतलब अपने कपड़े पहनती हूँ। और नॉर्मली मुझे टी शर्ट पहनना ही पसंद है, पर अपने नहीं, मेरे भाई के। अब कपड़े चाहे कॉटन के पहनो या कोई और, पसीना तो होगा ही होगा, और पसीने की वजह से अंडर आर्म से स्मेल भी आ सकती है। तो ये जो मेरा हैक है, स्पेशली जब आप बाहर जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा हैक से मेरा मतलब ये है कि ये हैक मैंने ट्राई किया है तो मुझे लगता है कि ये यूजफुल हैक है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब भी बाहर जाते हैं ऐसे में आप अपने साथ वेट वाइप्स एंड सैनिटाइजर जरूर कैरी करें। तो आपको करना क्या है, एक वेट वाइप लेना है, उस पर थोड़ा सा सैनिटाइजर डाल के अपने अंडर आर्म को वाइप कर लेना है। इससे जो पसीने की स्मेल है वो भी चली जाएगी और आपको रिफ्रेश फील होगा। इससे आप टाइम टू टाइम वाइप करके अपने आप को रिफ्रेश तो रख ही सकते हैं, पर आसपास वाले लोगों को भी अच्छी अच्छी खुशबू आएगी आपसे। तो जब भी आपको लगे कि ज्यादा स्वेट आ रहा है तो बस वाइप को निकालो, उस पर सैनिटाइजर डालो और क्लीन कर लो। अब बाहर जाएंगे आएंगे तो फेस पे, बॉडी पे टैनिंग होना बहुत ही कॉमन है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम DIY मास्क यूज करेंगे। मास्क बनाने के लिए मैं एल्प्स गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर एंड बीटरूट पाउडर यूज करूंगी। ये पाउडर इसलिए क्योंकि ऑरेंज पील से पाउडर बनाना या फिर बीटरूट से पाउडर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग भी, इसलिए मैं ये पाउडर यूज कर रही हूँ। और ये पाउडर बजट फ्रेंडली के साथ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है टैन रिमूवल के लिए। पहले ये पैकेट्स में आते थे और अब बॉटल्स में आते हैं, तो इनको यूज करना एंड स्टोर करना काफी ज्यादा इजी हो गया है। थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर एंड थोड़ा सा बीटरूट पाउडर लेकर के मैं कर्ड में मिक्स कर लूंगी। कर्ड की जगह आप एलोवेरा भी ले सकते हैं या फिर प्लेन वाटर में भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ऑरेंज पील में विटामिन सी होता है जो कि स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करेगा, एंड बीटरूट पिगमेंटेशन से प्रिवेंट करने के साथ स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। कोई भी जब फेस मास्क या फेस पैक आप लगाएं तो हमेशा अपने गीले फेस पे लगाएं, मतलब एकदम पानी जैसा गीला नहीं, हल्का हल्का गीला होना चाहिए तब आप फेस पैक अप्लाई करें। मैं हमेशा से ही ये करती हूँ। अगर मैं इसे अपने ड्राई फेस पे अप्लाई करूँ ना तो मुझे रैशेज हो जाते हैं, तो इसलिए भी मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ड्राई फेस पे ना लगाऊं। और ये पेस्ट आप हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये स्कैल्प को क्लेंस करने के साथ हेयर को कंडीशन करेगा। इतना ही नहीं, ये हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने के साथ ब्रेकेज भी रिड्यूस करेगा। तो ये एक तीर से दो निशाने हैं, स्किन पे, हेयर पे, दोनों जगह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना चाहिए कि पूरा फेस पैक कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तब हम इसे वॉश करें। आप 15-20 मिनट्स ही रखो, और हल्का हल्का गीला ही हो तभी आपको इसे वॉश कर लेना चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई कभी मत होने दो।
नेक्स्ट चीज जो मैं फॉलो करती हूँ, पहले मैं नेल पेंट लगाया करती थी तो वो मैं फ्रिज में ही रखती थी। तो उसके साथ जब मैंने टोनर और सीरम ये सब लगाना स्टार्ट किया तो इनको भी मैंने अपने फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी गर्मियाँ होती हैं तो टोनर और सीरम को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये टोनर मैंने खुद से बनाया है, आप भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें एलोवेरा जेल एंड रोज डालना है। और थोड़ी देर के लिए इसे बॉईल करना है, जब उसका कलर रेड हो जाएगा ना तो बंद कर दो। और फिर ठंडा होने के बाद इसे आप किसी भी छोटे से स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लो और फिर उसे अपने फ्रिज में रख लो। और जब भी टोनर अप्लाई करना हो जाओ फ्रिज से निकालो और स्प्रे करके वापस रख दो। सारी चीजें फ्रिज में जाके मत रख देना क्योंकि मम्मी डांट भी सकती हैं। मेरे साथ हुआ इसलिए बता रही हूँ मैं आप लोगों को। हमारे घर में मंडे को सब्जी आती है ना तो फ्रिज में जगह भी नहीं होती रखने की, वो तो मैं कैसे कैसे रख देती हूँ। ये मैं दिन भर में बहुत बार अप्लाई करती हूँ, इससे एक तो स्किन जो है वो टोन्ड होती है, ऑयलीनेस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पोर साइज रिड्यूस होने के साथ फेस बिल्कुल फ्रेश लगता है। तो अगर आपने ये अब तक ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके जरूर देखना और मुझे बताना आपको कैसा फील हुआ। नेक्स्ट हैक है मेरा सनस्क्रीन से रिलेटेड, पर ये नहीं, मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि सनस्क्रीन लगाना है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको सनस्क्रीन जो है दोबारा लगाना होता है। गर्मियाँ बहुत है, पसीना भी बहुत आएगा, तो ये आपके मेकअप के साथ ना आपके सनस्क्रीन को भी बहा ले जाएगा। ये तो सब कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाओ, पर सनस्क्रीन लगा के आप भूल मत जाओ, एवरी 3-4 आवर्स में उसे जो है रीअप्लाई करो। तो ये गर्मियों की ही बात नहीं है, आपको हमेशा जो है 3-4 आवर्स में रीअप्लाई करना होता है सनस्क्रीन। अगर आप दोबारा सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो फिर टैनिंग की प्रॉब्लम होगी और फिर आपको लगेगा कि यार ये सनस्क्रीन तो काम ही नहीं कर रहा है, बकवास है। तो बकवास वो नहीं है, आप एक बार लगाते हो वो बकवास है। तो अगर घर में हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप जब चाहे अप्लाई कर सकते हो, पर बाहर जाने से 15-20 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है और निकलते निकलते अपने सनस्क्रीन को भी साथ लेके जाना है ताकि आप उसे रीअप्लाई कर सको। डर्ट एंड पॉल्यूशन की वजह से स्कैल्प पे इचिंग होती है, तो ऐसे में आप वीक में एक बार हेयर मास्क जरूर लगाएं। और एक बहुत ही अमेजिंग जो हेयर मास्क है वो है मेथी, हिबिस्कस एंड आंवला का। ये इंग्रेडिएंट्स हम सबके घरों में ही नहीं बल्कि आयुर्वेदा में भी यूज किए जाते हैं। मैं यहाँ एल्प्स गुडनेस का पाउडर यूज कर रही हूँ जो कि 100% प्योर, नेचुरल एंड केमिकल फ्री है। थोड़ा सा आंवला पाउडर लूंगी मैं एंड थोड़ा सा हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर, इन्हें भी मैं कर्ड में मिक्स करके पेस्ट बना लूंगी। जैसे कि अभी गर्मियां हैं इसलिए मैं कर्ड यूज कर रही हूँ, इसे आप नॉर्मल पानी में भी मिक्स करके पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट बनाने के बाद इसे मैं अच्छे से स्कैल्प पे अप्लाई करूंगी और 1-3 आवर्स के लिए मैं इसे लगे रहने दूंगी ताकि जो पेस्ट है वो अच्छे से स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो और इसके बेनिफिट्स हमारे स्कैल्प और हेयर दोनों को मिले। आंवला में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में। हिबिस्कस एंड मेथी हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने के साथ स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं जिसकी वजह से ब्रेकेज कम होते हैं। ये मास्क हेल्प करेगा हेयर फॉल प्रिवेंट करने में, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने में, डैंड्रफ रिमूव करने में एंड ऑल्सो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में। जब भी मैं कोई पेस्ट अप्लाई करती हूँ तो वो मैं सिर्फ स्कैल्प पे ही नहीं बल्कि मेरे हेयर पे भी अप्लाई करती हूँ, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इसलिए मैं इसे अपने हेयर पे भी अच्छे से अप्लाई करूंगी। इसे वॉश करते वक्त आप लूक वार्म वाटर यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म हो वो पानी यूज़ करें ताकि पेस्ट अच्छे से आपके बालों से निकल जाए। और इसे वॉश करने के बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको कुछ भी ट्राई करना हो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट, अब गर्मियाँ हैं
तो पीरियड्स तो छुट्टी पे जाएंगे नहीं, अब पीरियड्स होंगे तो उनकी वजह से इचिंग, रैशेस ये सब भी होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स के लिए भी छोटा मोटा सा जुगाड़ मैं आप लोग को बता सकती हूँ। छोटा मोटा मतलब इतना अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत अच्छा जुगाड़ बताऊंगी और वो काम भी करेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको शेव करके रखना है, स्पेशली इस टाइम पे तो करके ही रखना है। और दूसरी चीज़, आपको कॉटन पैंटीज यूज़ करना है ताकि जो भी स्वेट हो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और तीसरी चीज़, अगर आपको रैशेज होते हैं, इचिंग होती है, तो आप कर्ड अप्लाई करो। और पीरियड्स के टाइम पे टाइम टू टाइम अपना पैड जो है वो चेंज करो। और जब भी आप वॉशरूम जाओ प्लेन वाटर से तो ज़रूर क्लीन करो। और नहाने टाइम आप माइल्ड सोप या फिर वी वॉशेज यूज़ करो। इतना करोगे तो कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर अगर इचिंग या फिर रैशेज हैं तो आप कर्ड अप्लाई करो। कर्ड अप्लाई करने से ना केवल आपके इचिंग से बल्कि फंगल इन्फेक्शन से भी छुटकारा मिलेगा। तो आप कर्ड अप्लाई करके एक मिनट तक ऐसे रहने दो और फिर वॉश कर लो। तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट हैक जो है, ये मैंने मेरी सिस्टर को यूज़ करते हुए देखा था और फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर दिया ताकि मेरी सिस्टर का ना रह जाए, इसमें थोड़ा मेरा भी टच आ जाए। तो ये जो हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये यूज़ करके आपका सनबर्न, टैनिंग, एक्सेस ऑयल, पॉल्यूशन सब रिमूव होगा। रोज वाटर लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और एलोवेरा जेल। तो मेरी सिस्टर इतना करती थी, इसमें मैंने अपना टचअप क्या डाला है, इसमें मैं रोज पेटल्स मिक्स करती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज कर सकते हो, या अगर आप ला सकते हो तो ले आओ और यूज करो। तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे रोज बेच रहे होते हैं, मैंने तो यहाँ बहुत बार देखा है। तो उनसे आप ये रोज जो है वो बाय कर लो, उनके लिए तो अच्छा होगा ही, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसे आप इस रोज को यूज कर सकते हो, या फिर मम्मी लाती होंगी रोज घर में और मंदिर में चढ़ाती होंगी ना, तो नेक्स्ट डे या फिर जब भी मंदिर से आप उतारते हो तब आप यूज कर सकते हो इसको। तो इसको ब्लेंड करना है आपको, और ब्लेंड करने के बाद इसे ट्रे में डालो और फ्रीज कर लो। फिर जब ये आइस क्यूब्स बन जाएंगे तो दिन में आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो। मुझे ज़्यादातर शाम को या फिर रात को यूज़ करना पसंद है, तो मैं रात को करती हूँ। और आइस क्यूब से ऐसे रब करने से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और रिलैक्स फील होगा। अब लास्ट स्टेप है मेरे दिमाग और शरीर को ठंडा रखने के लिए, वो ये कि दिन में एक कटोरी दही ज़रूर खाएं। ये मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ, तो ये तो अब इंक्लूड कर ही लो क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेरे घर में मेरी मम्मी दही बनाती है, तो आप लोग भी अपनी मम्मी को बोलो वो दही बनाएं। और अगर नहीं पॉसिबल है तो आप मार्केट से ला के भी दही खा सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए लगभग हर दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। तो दही अपने डाइट में इंक्लूड करो, अपने स्किन केयर, हेयर केयर में इंक्लूड करो, इसी के साथ बहुत सारा पानी पियो। और बस अभी मुझे इतनी ही चीज़ें याद आ रही हैं। ये सब हैक्स मुझे तो करना बहुत पसंद है, और आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। Bye.